तो वी हैड स्टार्टेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ यस्टरडे, और हमने किया था कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है, कंसेप्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं या हम रोक सकते हैं कंसेप्शन को, ये जो है वी वर डिस्कसिंग दैट। उसमें हमने फिजिकल मेथड्स किए, उसके बाद हमने केमिकल मेथड्स किए, केमिकल बैरियर्स किए, पहले फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, नेचुरल प्रोसेसेस, और अब हम करेंगे बेटा पिल्स, जो केमिकल्स है, स्पेसिफिकली पिल्स जो है वो कैसे काम करती है, राइट? तो अब नेक्स्ट आ जाइए, यू कैन से नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, दीज आर द पिल्स विच आर इंजेस्टेड, इंजेस्टेड मतलब जो हम खा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यू नो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। है क्या ये है? ध्यान से, दीज कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ये क्या करते हैं, पिल्स विच आर इंजेस्टेड बाय फीमेल्स, ये मेनली विच आर टेकन बाय फीमेल्स, ठीक है जी। ये क्या है, दीज आर स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, पहला दिन है, ठीक है, एंड वन पिल इज टेकन ईच डे फॉर 21 डेज, ठीक है। ये क्या करती है, एक्शन क्या है इनका, मोड ऑफ एक्शन क्या है, दे मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन ब्लड, और जब ये दोनों हॉर्मोन्स हाई लेवल के होते हैं, बहुत हाई, प्रोजेस्टेरोन स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरोन, दे इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एलएच। जब बहुत हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन का होता है तो एलएच की सिक्रीशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तभी तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन शुरू होती है, उसकी इंक्रीज होते 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 फिर इतनी ज्यादा हो जाती है कि एलएच की सिक्रीशन को बंद कर देते हैं, और जब एलएच की सिक्रीशन बंद हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बंद हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होती है, ये जनरल हम बता रहे हैं। तो क्या है कि इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच, और जब ये एलएच की सिक्रीशन इनहिबिट करेगी तो देयर इज नो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मैक्सिमम टाइम 10 to 17 डेज के बीच में होता है, वो वाले टाइम में हमने एलएच को सिक्रीट ही नहीं होने दिया, और 21 दिनों तक, 21 डेज तक क्या हुआ, जो एग था वो ग्रेफियन फॉलिकल में ही मर गया, इज इट राइट, ठीक है। सो नो ओव्यूलेशन, देयरफॉर नो फर्टिलाइजेशन,
Then, after 21 days, pills dose is stopped. इससे क्या है? Concentration of progesterone in blood. Specifically हम progesterone की बात कर रहे हैं. Estrogen भी progesterone in blood decreases due to which thick endometrium breaks and start of menstruation. After about 7 days, pills रोकने के बाद 7 दिन के बाद फिर मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाता है. फिर मतलब ये 7 दिन हमने दवाई नहीं लेनी है, ये पिल्स नहीं लेनी है. उसके बाद फिर जैसे ही फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, देन द प्रोसेस इज अगेन रिपीटेड, राइट? ठीक है. सो देयरफॉर हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ फिफ्थ पॉइंट लिख रही हूँ, देयरफॉर दीज पिल्स इनहिबिट ovulation and transplantation. ना ovulation होगी, ना fertilization होगी, ना transplantation होगी. ठीक है जी. तो इसलिए transplantation या sorry not transplantation implantation answer implantation. So no ovulation, no fertilization and no implantation. ठीक है. उसका एक और function है कि क्या करते हैं, another important point, these pills alters the quality of cervical mucus. सर्विक्स में जो म्यूकस प्लग है उसकी क्वालिटी चेंज कर देता है, विच रिटार्ड्स द फॉर्म एंट्री इन यूट्रस. मतलब हम कहते हैं कि ये सब तरफ से एक्ट कर रहा है भी. अगर किसी कारण से ओव्यूलेशन हो ही जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है. या फिर हम कहें ओव्यूलेशन हो जाए तो स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे. अगर किसी कारण से स्पर्म्स पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक है. एक और चीज, these pills are highly effective, sab taraf se kaam kar rahi hai, and has aapki book mein to likha hua least side effects, but main ye kahungi but has and has few side effects. beta agar females bahut टाइम तक ये पिल्स यूज करती रहे, ठीक है, जो तो उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं. कई बार पिल्स छोड़ दो तो हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है अगर बहुत टाइम तक जो है ये लेते रहे, ठीक है. तो इसलिए कुछ ना कुछ, क्योंकि स्टीरॉयड्स हम बाहर से दे रहे हैं. और अनदर इम्पॉर्टेंट चीज जो देखी गई है कि कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ दीज पिल्स मे कॉज ब्रेस्ट कैंसर, मे कॉज सर्विक्स कैंसर इन द लेटर एज, ठीक है.
Then there is another important thing. सहेली एक ही ब्रांड नेम है. इज द नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. प्रिपेयर्ड बाय नॉन स्टीरॉयडल है, इसमें हॉर्मोन्स नहीं यूज होते हैं. प्रिपेयर्ड बाय CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. ठीक है जी. और ये जो है सहेली, इट इज वंस इन ए वीक पिल, एक बार ही ली जाती है. वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, क्योंकि नॉन स्टीरॉयडल है इसलिए साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है. एंड इट इज हाईली इफेक्टिव, या हम कहेंगे मोस्ट इफेक्टिव. इज इट ओके? ठीक है जी. तो ये पहले नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं. एक मिनट सर, कर लो फटाफट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम अभी तक आपने क्या कराया? बेटा बस यही जो बोर्ड पे लिखा है ना, यही कराया. ये नोट कर लो. देन देयर इज अनदर, एक आ जाइए. देयर इज 72 आर पिल. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, 72 आर पिल. मैम क्या 72 आर पिल? मैम ये 9th पॉइंट है. हाँ जी. नेक्स्ट आ जाइए, 9th पॉइंट आ जाइए. 72 आर पिल विच हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन. मैम रिपीट कर. इट हैज high concentration of progesterone और है वही है, बट concentrations का फर्क है, और combination of estrogen and progesterone. बाकी pills की तरह ही है, बट इसमें थोड़ी सी high concentration होती है, which is taken within 72 hours of unsafe. Unsafe हम कह सकते हैं कि हमने कोई सेफ्टी नहीं ली, राइट? कि भी कोई कपल जो है दे डोंट वॉन्ट टू कंसीव, बट उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया. ठीक है, तो 72 hours of unsafe coitus इंसेमिनेशन हम बात करते हैं, कोइटस या इंसेमिनेशन, और इन रेप विक्टिम्स. टू अवॉइड प्रेगनेंसी और कंसेप्शन. ठीक है, ये वंस इन ए, यू नो, वन पिल है ये. ठीक है,
तो हम इसको अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड कोइटस भी कह सकते हैं। थोड़ा सा एक और टर्म आ जाती है, अनप्रोटेक्टेड कोइटस। ठीक है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है। आप देखो कि एकदम प्रोजेस्टेरोन हमने दिया, ठीक है, और वो फिर एकदम बंद कर दिया। एक तो होता है धीरे 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 कम करना या धीरे धीरे करना, बट हाई लेवल एकदम दिया, और फिर जब एकदम कम होगा, ब्लड में बहुत हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन हो गया, और एक ही दिन ली वो टेबलेट, और फिर टेबलेट ली नहीं, उसके बाद एकदम जैसे ही नीचे आया प्रोजेस्टेरोन, इमीडिएटली जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, या एलएच की सिक्रीशन एकदम बंद हो जाती है, एंड इट कॉजेज डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। Is it right? So this is 72-hour thing. ठीक है जी, next आ जाते हैं nowadays. To avoid conception and regularize menstruation, ठीक है, the implants under skin are used formed of estrogen plus progesterone or simply progesterone alone. ठीक है, ये इस तरह से होते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज कर देते हैं बट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। ठीक है, समटाइम injections of these hormones are also given. पर बेटा सब कुछ चल रहा है, ये चीजें चल भी रही हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नेचुरल मेथड या बैरियर मेथड, बिकॉज जब हम स्टीरोइड्स लेते हैं तो हमारा क्या गड़बड़ होता है, हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें इम्बैलेंस जरूर आता है, और जिसके कारण हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। और बहुत फीमेल्स में देखा गया है कि जो इस तरह के स्टीरॉयडल पिल्स ले रही हैं, स्टीरॉयड्स इंजेक्ट करवा रही हैं और वट एवर, सो देन दे मे सफर फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम such as cancers and one of that are cancer. So generally हम ये कहते हैं कि ये चीजें avoid करके हमें copper tea use कर लो या diaphragm या condoms use कर लो या natural methods one can do that. ठीक है, तो ये pills avoid करनी चाहिए, although इन pills का सिर्फ conception के कारण ही नहीं, कई बार कुछ females में hormone imbalance होता है, ठीक है, तो ये पिल्स जो है ये बैलेंस करने के लिए भी दी जाती है फॉर सम टाइम, राइट। तो दिस इज अबाउट योर, पहले ये नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं, या पहले हम एक सर्जिकल मेथड्स भी साथ ही करा दें फिर आप लिख लाइए। सर्जिकल मेथड्स, ठीक है, तो इट इज टर्मिनल एंड में हम करते हैं टर्मिनल प्रोसीजर, ठीक है, टू प्रिवेंट एनी मोर कंसेप्शन।
done by डॉक्टर सर्जिकल प्रोसीजर है. पुअर रिवर्सिबिलिटी. देखो बेटा ये हमारी फैमिली में ही मैंने ये देखा है कि किसी कपल के अनोन रिलेटिव्स, तो किसी कपल के क्या था, दो बच्चे थे, है ना, ट्विंस थे आई होप, ठीक है, एंड ड्यू टू एक्सीडेंट दैट ट्विंस दे गेट गॉट किल्ड. ठीक है, एक्सीडेंट में दोनों बच्चे की डेथ हो गई और फीमेल की एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, अर्ली थर्टीज में थी. ठीक है, और उसने जब उसके ट्विंस हुए थे तो उसने ऑपरेट करवा लिया था, स्टरलाइजेशन हो गई थी, ट्यूबेक्टोमी करवा ली थी. ठीक है, तो देन व्हाट हैपेंड कि सबने उसको, पहले तो वो तैयार ही नहीं हुई कि मुझे कोई और चाहिए, वो कहती थी मेरे दोनों ही बच्चे चले गए तो मैं और लेके क्या करूंगी, बट आफ्टर 1 or 2 years देन शी प्रिपेयर्ड फॉर, और फिर उसके दोबारा से ट्यूबेक्टोमी में क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स, मैं अभी बताऊंगी, फेलोपियन ट्यूब्स काट देते हैं. ठीक है, तो बट फिर दोबारा से उनकी सर्जरी करके वो फेलोपियन ट्यूब दोबारा से स्टिक हुई, बट नॉट नॉर्मल, आई डोंट थिंक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुई होगी, बट किसी भी कारण से, चाहे आर्टिफिशियल मीन से चाहे किसी तरह करके, देन शी अगेन गेव बर्थ टू द ट्विंस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, बट पुअर रिवर्सिबिलिटी है, राइट. तो सर्जिकल मेथड जो है ये क्या प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टू द गोनोडक्ट्स और जेनिटल डक्ट्स. ठीक है जी, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स निकलने ही नहीं देते हैं, तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगी. ठीक है, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस इन मेल्स, इसको हम कहते हैं वासेक्टोमी, और इसमें सीमन इज फॉर्म्ड. सीमन तो डिफरेंट ग्लैंड्स का बनता है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड. ठीक है, सीमन इज फॉर्म्ड बट विदाउट फॉर्म्स. सर्जरी छोटी सी सर्जरी है, इसमें क्या है, अ स्मॉल इंसीजन, इंसीजन मतलब कट, इज गिवन इन स्क्रोटम. स्क्रोटम में एक छोटा सा जो है वो कट दिया जाता है, एंड उसके बाद वहां से वास डिफरेंस आर कट एंड देयर कट एंड्स आर टाइट. ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है, वासेक्टोमी हो जाती है. लेट मी शो यू ऑल्सो, ये देखिए जी, ये क्या है, यहां पे दीज आर टेस्टिस, दीज आर एपिडिडिमस, दिख रहा है सबको, yes, yes, और यहां से ये देखिए वास डिफरेंस जा रहा है, यहां से बेटा एब्डोमेन की तरफ तो जाना ही नहीं पड़ता, बस स्क्रोटम सैक से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हमें वास डिफरेंस नजर आ जाता है. तो ये वास डिफरेंस बीच में से काट दिया और दोनों की जो ओपनिंग थी उसको कसकर बांध दिया, ताकि जो टेस्टिस में से स्पर्म्स निकलेंगे वो एपिडिडिमस में जाएंगे, वास डिफरेंस में यहां तक जाएंगे और यहीं पर ही मर जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे. यहां से
ये सेमिनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कूपर्स ग्लैंड, ये सब सीमन सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट कर रहे हैं विच इज इजेक्टुलेटेड बट इट विल बी विदाउट स्पर्म्स। इसी तरह अगर फीमेल्स में देखा जाए तो फीमेल्स में क्या होता है, दैट दिस इज यू नो यूट्रस, दिस इज ओवरी, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ये सारी फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ से जहां पर फेलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस में एंटर करती है वहां से काट देते हैं, और आप देख रहे हो कि दोनों एंड्स बंद है। अब क्या है कि यहां से यूट्रस में नीचे से स्पर्म्स आ रहे आ रहे आ रहे हैं यहां तक गए, बट यहां से फिर वो आगे फेलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाए। इधर से एग आया और एग भी आगे नहीं मूव कर पाया और वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही मर गया, मतलब द गैमेट्स कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एज यू नो ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में लिख लो द कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, द कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी, is called as tubectomy, due to which the male gametes cannot enter in the fallopian tubes, and thus no fertilization, ठीक है। जगह छोड़ दो, एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स है ये बेटा, तो आपने जो है ये बना लेने हैं, राइट। सो वासेक्टोमी इज कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो पहले ये लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए कि द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, है ना। हमारी बॉडी ने नहीं बनाया किसी ने कि भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो है यूज करो, are against the laws of nature and या एंड ना करके therefore they should be used with proper medical consultation. Mainly contraceptive pills, and sometimes barrier methods such as copper tea. Proper medical assistance ही हम कहेंगे, they may produce side effects, especially oral contraceptives as well as IUDs. Excuse me ma'am. हाँ जी बेटा। ma'am copper tea की बात repeat कर दो। मैं वही बता रही हूँ, copper tea की bracket में लिख लेना IUD, oral contraceptives and IUDs or copper tea, such as nausea, NAUSEA, vomiting, abdominal pain, excessive bleeding, irregular menstruations, or even breast cancers or uterine cancers.
ठीक है जी। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज करने हैं, तो डॉक्टर की सलाह से, ये नहीं कि पिल्स खानी शुरू करनी है तो हमने बस खाते ही रहनी है। नहीं, डॉक्टर्स बताएंगे कि कब तक आप खा सकते हैं, कब तक हमने इसको रोकना है एंड ऑल दैट, राइट। तो इसलिए प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट से जो है ये आपको या किसी को भी जो है ये काम करना है, खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, राइट। तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा एमटीपी। एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑल्दो अगर दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं किसी के लिए तो नहीं कहती, बट दिस इज अ क्राइम एंड इट इज ए मर्डर कि भी एक कंसेप्शन हो गई है, महीने बाद आपको पता चलता है कि हमने कंसीव कर लिया है, फिर 15 दिन हम सोचने में लगा देते हैं, उस टाइम तक एक बच्चा उसका दिल बन गया है बेटा, और फिर हम उसको दवाइयां दे के उसको अंदर ही मार देते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू मर्डर, ठीक है। बट पीपल आर डूइंग दैट, ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत डॉक्टर्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई होप कि व्हेन यू बिकम डॉक्टर, तो आप अगर कोई आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप उनको समझाएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। जनरली एमटीपी किन केसेस में होता है? एमटीपी होता है कि भाई हमें लड़का चाहिए है, ठीक है, और वो 3 महीने तक वेट करते हैं। हाउ दोस पीपल, पता नहीं ऐसे लगता है कि क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, 3 महीने तक वेट करते हैं, फिर वो इधर उधर पैसे दे के एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासाउंड से पता करवाते हैं लड़का है या लड़की है, और लड़की है तो उसको अंदर ही, मतलब आप ये सोचो कि उसका दम घुटता होगा बेटा उस बच्चे का, है ना। बस सिर्फ ये फर्क है कि वो चीखे नहीं मार सकता, वो किसी को शिकायत नहीं कर सकता, बट दिस इज अ मर्डर, ठीक है। एंड वन हैज टू, अगर जो कोई भी करता है उसको इस चीज की सजा जरूर नेचर देगी, है ना, बट आई होप कि गवर्नमेंट भी देती है जिसका पता चल जाए, बट देयर आर मेनी अदर मीन्स ऑल्सो, राइट। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमटीपी, जो लीगलाइज्ड है बेटा। लीगलाइज कब है एमटीपी? सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम है, ओनली देन जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, या फिर जैसे किसी मदर को है ना कोई डिजीज हो गया, लाइक जैसे जर्मन मीजल्स हो गए या सिंपल मीजल्स हो गए या चिकन पॉक्स हो गया, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो मदर में एंटीबॉडीज बनती है दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द फीटस। उस केस में अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान जर्मन मीजल्स, चिकनगुनिया या 2-3 ऐसे डिजीजेस है, अगर ये हो जाता है तो उस केस में ये पता होता है कि यहाँ पे बच्चा भी क्या होगा, द चाइल्ड विल ऑल्सो, द फीटस विल ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम, उसे दिखेगा नहीं या सुनेगा नहीं या मेंटली रिटार्डेड होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये लीगलाइज किया है कि वो अबॉर्ट कर सकते हैं, राइट। सो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये लिख लो, इट इज वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म is called as MTP. MTP or mam before full term, मतलब पूरी प्रेगनेंसी होने से पहले, induced abortions, next है the MTP Amendment Act, the MTP Amendment Act was done in 2017 to prevent the MTP Act या अमेंडमेंट एक्ट, द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट
2017 was enacted. Was enacted by government to prevent female feticide and illegal abortions किसी भी कारण से illegal abortions which may result in maternal mortality बेटा किसी भी क्वैक्स के पास जाकर एमटीपी कर दो जी ठीक है उस केस में ब्लड लॉस ये वो से मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी विच मे रिजल्ट इन मदर की डेथ हो सकती है या उसे कुछ मॉर्बिडिटी मीन्स कि उसको कुछ डिजीजेस हो सकते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए ये एक्ट कहता क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एमटीपी इज डन ओनली इन सर्टेन केसेस सिर्फ कुछ केसेस सच एज मैंने बताया इफ मदर suffers from measles, chickenpox, etc. or genetic abnormalities in fetus. ठीक है जी सेकेंड पॉइंट है इस एक्ट ने क्या कहा है इट इज डन विद इन द एमटीपी शुड बी डन विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट इज डन within the first 12 weeks of pregnancy next point aa jayiye agar beta 12 hafte ke baad mother ko ye problem ho gayi aur antibodies ne jaake bacche ke kai organs ko affect kar diya to do regular practitioners ki salah se hi mpp hogi next point aa jayiye If the pregnancy has lasted more than 12 weeks, but fewer than 24 weeks, then the opinion of two medical practitioners, we are two doctors. Opinion of two doctors is required. Next, aa jaiye. This law is formed because. After 24 weeks, if MPP is done, it is the great risk for the mother.
और यहाँ पे NTP was legalized in 1975 with some restrictions, obviously. उसके बाद 2017 में अमेंड किया गया. ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि MTP इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफ एंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज रिस्की, आफ्टर विच इट इज हाईली रिस्की. MTP in first trimester is safe in second trimester it is risky and in third trimester it can be lethal for the mother. Next hum aa jaate hain beta STIs, sexually transmitted infections. STI या फिर हम इसको STDs भी बोल सकते हैं, sexually transmitted diseases, STDs. कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या है, इट इज एड्स, syphilis, gonorrhea, chlamydia, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B. These are some of the important sexually transmitted diseases. So, AIDS, caused by virus, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, लिख लो, नेक्स्ट इज साइफिलिस, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रिपोनीमा, Pelagium caused by bacteria, Treponema pallidum. Gonorrhea is also a bacterial disease caused by Neisseria gonorrhea. It is a bacterial disease caused by Neisseria
गनोरिया. नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेमाइडिया. इट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया. ये भी एक मोनरन है, कॉज्ड बाय मोनरन क्लेमाइडिया. सिंपल, इट इज मोनरन मीन्स प्रोकैरियोट है, विच इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया. नेक्स्ट आ जाता है बेटा जेनिटल वॉर्ट्स, कॉज्ड बाय वायरस एचपीवी. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. एक जेनिटल वॉर्ड्स के बाद एक और लिख लो, जेनिटल हर्पीस. जेनिटल हर्पीस कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस. जेनिटल हर्पीज caused by herpes simplex virus. Trichomoniasis, it is caused by a protozoan. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. And hepatitis B, it is caused by hepatitis B virus. Hi aap keh sakte. Hepatitis B virus. Hum inko sexually transmitted infections kyun bolte hain? Because यहाँ पे लिख लो, बिकॉज दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? एक तो मैंने बताया एसटीआईज, एसटीडीज, वेंट्रल डिजीजेस, ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रल डिजीजेस और वीडीज, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन आरटीआईज. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन. ठीक है जी बेटा, इनमें से जितने भी है, यहां पे एक स्टार डाल के लिखो, अमंग दीज एड्स एंड हेपेटाइटिस बी या एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, आर transmitted through sexual intercourse, but do not affect sex organs. ठीक है, ये sex organs को नहीं. आपको पता है hepatitis B liver को इफेक्ट करता है और HIV हमारे immune system को इफेक्ट करता है. इसी में फुल स्टॉप करके, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल्सो बाय, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल्सो बाय शेयरिंग नीडल, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एटसेट्रा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड.
and also from infected mother to fetus. Also from infected mother to fetus. बेटा इन सब डिजीज़ में से अगर हम मैम जो दूसरे वेज है वो रिपीट कर दो एक बार कौन सा बेटा कि इन्फेक्टेड नीडल्स और क्या इन्फेक्टेड नीड दे कैन बी ट्रांसमिटेड आल्सो बाय इन्फेक्टेड नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड as well as from infected mother to fetus. But in sub diseases mein ek AIDS, ek genital herpes and hepatitis B. They cannot be cured, hai na? Ho jaye, to hum inko sirf treat kar sakte hain, cure karna mushkil hai. But baki jitne bhi hai, they can be treated and cured. ठीक है? Next point लिख लीजिए. Out of these various diseases, AIDS, genital herpes and hepatitis B. Can be treated, but are not cured. But are not cured. Whereas other diseases can be cured completely if detected at early stages. Later stages पे भी वैसे तो हो जाता है but early stages पे हो तो बहुत जल्दी cure हो जाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए कॉमन सिम्टम्स ऑफ एसटीआई. सबसे पहले क्या सिम्टम्स पता चलेंगे कि जेनिटेलिया में प्रॉब्लम हो गई है. सबसे पहले ईचिंग है, खारिश होनी शुरू होते हैं. नॉट ऑल ईचिंग, अगेन मैं बता रही हूँ, ईचिंग. सेकेंड है फ्लूइड डिस्चार्ज, वाइट ल्यूकोरिया टाइप जो है वो होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड डिस्चार्ज. थर्ड सिम्टम आ जाता है स्वेलिंग्स, जगह जगह पे जेनिटेलिया में इंटरनल आउटसाइड स्वेलिंग्स हो जाती है, स्वेलिंग एंड पेन. ठीक है. जनरली ये जो है मेल्स में जल्दी पता चल जाते हैं, फीमेल्स में इतनी जल्दी नहीं पता चलते. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. इन फीमेल्स the symptoms appear very late. Due to which, there may be present PID, pelvic inflammatory disease. Pelvic, which may result in pelvic inflammatory disease, comma abortion. अगर pregnancy हो जाए तो abortions हो जाते हैं. Stillbirth, अगर abortion नहीं जल्दी हुआ, birth से हुआ तो मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया, stillbirth. Ectopic pregnancies. Ectopic मतलब fallopian tubes में pregnancies हो गई. Ectopic pregnancies etc. They may cause infertility. बार बार abortions हुए जा रहे हैं तो proper test किया जाता है कि कहीं ये diseases तो नहीं है. They may cause infertility. और इवन आजकल हम हर चीज में ही कह देते हैं लास्ट में क्या, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है जी.
नेक्स्ट पॉइंट है दीज डिजीजेस मेनली अकर, वो तो किसी भी एज में सकते हैं. दीज डिजीजेस मेनली अकर इन द एज ग्रुप, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स. वैसे तो किसी एज में भी हो सकते हैं. Therefore, these diseases should be prevented. Cure करना मुश्किल है, prevent करना easy है. First है, avoid sex with unknown partners. जिसका पता ही ना हो कुछ. Avoid sex with unknown partner या multiple partners. सेकेंड है, यूज सम फिजिकल बैरियर्स ड्यूरिंग कोइटस. कंडोम्स यूज कर लो, डायफ्राम्स यूज कर लो. और थर्ड है, इफ एनी सिम्टम अराइज देन कंसल्ट सम डॉक्टर इमीडिएटली. राइट बेटा, सो दीज आर सम ऑफ द, ऑल्दो ये वाला चैप्टर जो है ना, मैं ये कहती थी बुक खोलो कुछ खुद पढ़ना है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच एवरीबडी शुड नो. क्योंकि ये डिजीजेस हो जाते हैं ना, साइफिलिस, गोनोरिया, देन अ लार्ज प्रॉब्लम अकर. ठीक है, क्योर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कितनी दवाइयाँ खाओ, कितनी क्रीम्स यूज करो, कितना कुछ, बट इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना, एड्स हो जाए, हेपेटाइटिस बी हो जाए, बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इनको प्रिवेंट करना सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट. इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. और हमारा थोड़ा सा रह गया है कि इनफर्टिलिटी. अब हमने कहा कंसेप्शन नहीं, बट हमें ये भी तो करना चाहिए कि जो बच्चे, जो लोग कपल्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा हो, बट वो इनफर्टिलिटी का शिकार है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारण से उनके, दे कैन नॉट कंसीव, तो उनके लिए हमारे पास क्या इलाज है, हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ऑल द डॉक्टर्स नो बेटर, बट कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हम डिस्कस करेंगे. इज इट ओके? ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बिकॉज शिवांशी हैज क्लास, राइट? सो वी विल डिस्कस टुमारो रेस्ट ऑफ द यू नो टॉपिक फॉर आई थिंक 15 मिनट्स इट विल टेक, एंड वी विल डिस्कस टुमारो एट 2 o'clock. ओके बेटा, बाय बाय. Thank you, Mom. Welcome.